स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टा में। दोस्तों मंथली इनकम वो भी हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में अगर आती रहेगी तो आपके साथ कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। हर महीने फिक्स इनकम हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, या तो आप जॉब के हिसाब से पूरा कर सकते हैं या फिर कोई बिजनेस करके। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो है म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर SWP ऑप्शन। यहाँ पर आप फिक्स्ड मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है जो एक बार लमसम अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं और उस पर हर महीने एक फिक्स इनकम भी शुरू करना चाहते हैं और अपने पैसे को भी ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए HDFC का एक ऐसा ही प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप हर महीने 17,650 रुपये की फिक्स्ड मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर एक टाइम पीरियड के अंदर आपके पैसे बढ़कर 5,24,00,000 रुपये भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये प्लान ऐसा है जिसके अंदर आप पैसे निवेश करके लमसम एक बार हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी के साथ अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मंथली इनकम के लिए बैंक यूनिट डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज दर मिलती है और मैच्योरिटी पर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप LIC की स्कीम के अंदर LIC जीवन अक्षय, जीवन शांति या फिर सरल पेंशन स्कीम के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि मैच्योरिटी पर आपको बहुत कम अमाउंट वापस मिलता है। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने पैसे को निवेश करना पसंद करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के अंदर, लेकिन दोस्तों वहाँ पर अगर आप पैसे को निवेश करते हैं तो एक फिक्स्ड ब्याज दर के हिसाब से आपको मंथली इनकम तो हो जाती है लेकिन मैच्योरिटी पर आप जो पैसा जमा करते हैं वो आपको वापस मिल जाता है, कोई पैसा बढ़कर वापस नहीं मिलता है। जबकि अगर आपको दो बेनिफिट एक साथ चाहिए, आपको मंथली इनकम भी होती रहे और आपका पैसा भी बढ़ता रहे, तो ऐसा ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर मिलता है। यहाँ पर अगर रिस्क की बात करते हैं तो आपके पैसे पर ज़रूर रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है, लेकिन अगर हम 10 या 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीमों में रिटर्न बैंक FD के मुकाबले या फिर हम किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें उससे दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटर्न दिया है। और पिछले 15 साल में लोगों का रुझान भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों की तरफ ज़्यादा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर आप लमसम एक बार पैसा निवेश करके मंथली इनकम के साथ अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न है कंपाउंड वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और जो फंड हम लेकर आए हैं अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इस फंड का ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वो भी करीब 15 साल से 18.71% का। लेकिन दोस्तों अगर हम बैंक FD की बात करें रिटर्न की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर 7 से लेकर 7.5% तक मिलती है। इसी तरह अगर हम सिर्फ एक साल के रिटर्न की बात करते हैं इस फंड की तब भी इस फंड ने 31.52% का रिटर्न दिया है, यानी यहाँ पर इस फंड का रिटर्न 18.5% से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको 17% रिटर्न मिलता है और आप एक बार निवेश करते हैं 18,00,000 रुपये का और पे आउट चूज़ करते हैं यहाँ पर मंथली इनकम के लिए 17,650 रुपये का, अगर आप दोस्तों एक साल तक इस प्लान में इस पैसे को निवेश करते हैं तो 17,650 रुपये मंथली विड्रॉवल के हिसाब से आपको टोटल पे आउट मिल जाएगा 2,11,800 रुपये का। और यहाँ पर आपके जो 18,00,000 रुपये हैं वो पैसे भी बढ़कर एक साल में 18,78,165 रुपये हो जाएंगे। जबकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं 5 साल के टाइम पीरियड की तो इसमें आपको 17,650 रुपये मंथली विड्रॉवल के हिसाब से 10,59,000 रुपये का विड्रॉवल मिल जाएगा और आपके पैसे बढ़कर हो जाएंगे 23,48,280 रुपये। लेकिन अगर आप 5 साल और इस प्लान में इस पैसे को निवेश करके रखते हैं यानी 10 साल के लिए तो आपको 17,650 रुपये मंथली विड्रॉवल के हिसाब से 21,18,000 रुपये का तो पे आउट मिल जाएगा और 10 साल में आपके 18,00,000 रुपये भी 35,50,354 रुपये हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगले 5 साल में यानी कि अगर हम 15 साल की बात करते हैं तो इसमें 17,650 रुपये मंथली विड्रॉवल के हिसाब से 31,77,000 रुपये का आपको विड्रॉवल मिल जाएगा और आपके 18,00,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 61,85,841 रुपये। इसी तरह अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको 17,650 रुपये मंथली विड्रॉवल के हिसाब से 42,36,000 रुपये का विड्रॉवल मिल जाएगा और आपके 18,00,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 1,19,64,008 रुपये। जबकि अगर 25 साल तक इस प्लान में इस पैसे को आप निवेश करके रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 17,650 रुपये मंथली विड्रॉवल के हिसाब से 52,95,000 रुपये का तो पे आउट मिल जाएगा और 25 साल में आपके 18,00,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 2,46,32,340 रुपये। जबकि अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 18,00,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 5,24,06,998 रुपये
जबकि आपको 17,650 रुपये मंथली के हिसाब से 63,54,000 रुपये का विड्रॉवल भी मिल जाएगा, यानी इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फंड की, तो इसमें आप SWP प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान ऑप्शन चूज करके मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो इसमें NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस अभी 13.27 रुपीज़ है, यानी आप लमसम जो पैसा निवेश करेंगे उसमें जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट मिलेंगी। फंड साइज 7,103 करोड़ रुपये है और मिनिमम आप 500 रुपये विड्रॉवल से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं होल्डिंग की, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, तो यहाँ पर टोटल स्टॉक है 145 जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है। और अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, अपार इंडस्ट्री, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री, ये टॉप 5 होल्डिंग है। इसी तरह के स्टॉक हैं 145 जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 21%, इसके अलावा अदर सेक्टर के स्टॉक में करीब 10%, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, यानी अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग परसेंटेज में पैसा निवेश किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी के खर्चे की, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी पैसा आप निवेश करेंगे उसमें से एक्सपेंस रेशियो काट कर ही आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट मिलती है। फंड का एक्सपेंस रेशियो है करंट 0.58% का। एक्सिट रेट यहाँ पर 1% है, एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तब। म्यूचुअल फंड्स में टैक्स होता है 15% का अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तब, लेकिन अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं और आपको 1,00,000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आपको 10% LTCG टैक्स देना होता है। फंड को मैनेज करें गोपाल अग्रवाल और ध्रुव। यहाँ पर बात करें HDFC AMC यानी HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की, तो 5,00,000 करोड़ रुपये का AUM है HDFC AMC का और यहाँ पर रैंक इंडिया में 2nd नंबर पर है। फंड हाउस काफ़ी पुराना है, 1999 को स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इस HDFC के प्लान में अगर आप लमसम एक बार पैसे निवेश करते हैं 18,00,000 रुपये, तो मंथली इनकम 17,650 रुपये की स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंडों के अंदर अगर हम बात करें रिस्क की, जो कि आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है, यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंडों में शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन ज़रूर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है और शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आते रहते हैं, जैसे 2008 की आर्थिक मंदी की बात करें या फिर कोरोना लॉकडाउन की। इसी तरह अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो रिटर्न आपको कंपाउंड मिलता है, वो भी काफ़ी बढ़िया। तो अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर दो बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, मंथली इनकम के साथ अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स की ये स्कीम काफ़ी अच्छी रहेगी। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।